हेलो स्टूडेंट, परफेक्शन आईएएस टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 3 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज ही एडुटेरिया का भी टेस्ट सीरीज का वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेस्ट नंबर 1 और 2 को ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोटोजोआ के कारण कौन कौन से रोग होते हैं? प्रोटोजोआ के कारण पेचिस और मलेरिया यानी कि डिसेंट्री एंड मलेरिया रोग होते हैं। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग डेवलप्ड पेनिसिलिन यूजिंग फंगस विच इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का प्रयोग करके विकसित कवक का प्रयोग करके पेनिसिलिन को विकसित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। मैं दोनों को एक साथ लेकर चल रहा हूँ ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों में से किसी को तकलीफ ना हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेबल डिजीज डोंट ट्रांसमिट थ्रू एयर? इसमें जो है टाइफाइड एयर से ट्रांसमिट नहीं होता है, हवा के माध्यम से नहीं फैलता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित सूचियों पर विचार करें। इसमें से बोला कि कौन कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। तो इसमें जो करेक्टली मैच्ड है वो है ऑप्शन ए, साइट्रस कैंकर बैक्टीरिया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पेस्चुराइजेशन ऑफ मिल्क? पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया को सबसे अच्छे से वर्णन करता है हीटिंग फॉर फ्यू सेकेंड देन फॉलोड बाई रैपिड कूलिंग। कुछ सेकेंड के लिए गर्म करना, उसके बाद तेज़ी से ठंडा करना। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंटेन हेमोग्लोबिन एंड एक्सक्रीट थ्रू अ स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड नेफ्रिडा? नेफ्रिडिया से एक्सक्रीट करता है। इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी, एनिलेट्स। हिंदी में पढ़ देता हूँ, जीवों के निम्नलिखित समूह में से किस में हेमोग्लोबिन होता है और नेफ्रिडिया नामक विशेष अंग के माध्यम से एक्सक्रीट यानी कि उत्सर्जित होता है? एनिलिड्स। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सही कूट चुनना है इसमें। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, अमीबा। अमीबा का हो गया ऑप्शन सी, अमीबा का हो गया बाइनरी फ्यूजन यानी कि बाइनरी विखंडीकरण। ह्यूमंस का हो गया वीविपरस यानी कि जरायुज। रेप्टाइल्स हो गया ऑप्शन, रेप्टाइल्स का हो जाएगा ओविपरस, अंडप्रजक और एम्फीबियंस हो जाएगा मेटामॉर्फोसिस का कायांतरण। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसमें क्रमशः नर और मादा में जेड जेड या जेड डब्लू प्रकार के गुणसूत्र होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी, मुर्गियां और मोर में। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन से सही सुमेलित नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 और 3। तो जो सही है उसको मैं बता देता हूँ, ये दोनों सही सुमेलित नहीं है। रॉबर्ट हुक कोशिका ये सही है, ल्यूवेनहॉक जीवित कोशिका ये भी सही है। और बात रही रॉबर्ट ब्राउन, तो उन्होंने नाभिक यानी कि न्यूक्लियस की खोज की थी 1881 में, और पुरकिंजे प्रोटोप्लाज्म, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स करके दे गया, रॉबर्ट ब्राउन नाभिक, पुरकिंजे प्रोटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1, लाइकेन सैवाल और कवक के बीच सहजीवी सहचर्य है, जो कि सही है। इसका सही जवाब है ए, लाइकेन्स आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन वसा अणुओं या लिपिड के निर्माण में मदद करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स? का सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। और इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो तरह का होता है, रफ और स्मूथ। जो स्मूथ वाला होता है वो लिपिड्स, फॉस्फोलिपिड को
सिंथेसाइज करता है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम को कंसिस्ट करता है जो कि प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 12, सेलुलर क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लूकोज फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड कैटाबोलिज्म ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, एसिटाइल सी ओ ए। क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन प्रोटीन बाई माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ सेल। सही जवाब है सी, प्रेजेंस ऑफ डी एन ए एंड राइबोसोम। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द टर्जिडिटी टू द प्लांट्स, टर्जिडिटी टू द प्लांट्स। सही जवाब है वैक्यूल्स, वैक्यूल्स एनिमल सेल में भी होता है और वैक्यूल्स प्लांट सेल में भी होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज बड़ा होता है, एनिमल सेल में वैक्यूल्स का साइज छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन डी करेक्ट नहीं है, जो करेक्ट है उसको पढ़ लेते हैं। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, करेक्ट है। लीकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड, सही है। क्रोमोप्लास्ट आर कलर प्लास्टिड, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन ए सेल डिवीजन हैपेंस फॉलोइंग मायोसिस मेथड, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द डॉटर सेल, डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा जा रहा है। सही जवाब है 16 का ऑप्शन बी, सॉरी 16 का ऑप्शन सी, रिड्यूस टू हाफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स इन, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स इन अ स्पेसिफिक रीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम टिश्यू, द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर्स इन अ स्पेसिफिक रीजन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम टिश्यूज। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, कौन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए 1 and 2, जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली, करेक्ट है ये। और पेरेंकाइमा स्टोर्स फूड, ये भी करेक्ट है। और फाइलम है जो ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ओनली, जो फाइलम है वो फूड को ट्रांसपोर्ट ऊपर से नीचे या फिर ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर दोनों साइड में ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए ऑप्शन सी जो ये वाला 3 है ये इनकरेक्ट है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन बाई विच मोस्ट लिविंग सेल्स जनरेट एनर्जी इन एरोबिक रेस्पिरेशन। सही जवाब है बी, साइट्रिक साइकिल। मैच द फॉलोइंग साइट्स, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो लाइसोसोम है इसे सुसाइड बैग बोलते हैं, राइबोसोम है यह प्रोटीन फैक्ट्री है, एटीपी है एनर्जी करेंसी, और माइटोकॉन्ड्रिया है पावर हाउस। क्वेश्चन नंबर 21, द सब्सटेंसेस लाइक अमीनो एसिड sugar, various organic acid and some proteins are stored in a cell in, किसमें स्टोर होता है ये, vacuoles में स्टोर होता है। Which among the following statements is incorrect about a stem, incorrect statement को पूछा जा रहा है, incorrect है option D, जो सही है उसको पढ़ लेते हैं। Region of stem where buds arises is called node, correct। द रीजन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स इज कॉल्ड इंटरनोड, करेक्ट है। स्टेम हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स बिटवीन रूट एंड सूट, करेक्ट है। स्टेम सिस्टम नहीं, यहाँ पे कौन सा सिस्टम होगा, सूट सिस्टम, SHOOT, ब्रांचेज। सूट सिस्टम इंक्लूड फ्रूट्स, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड लीव्स। क्वेश्चन नंबर 24, विच of the following is incorrect regarding, sorry, question number 23, which among the following is present in plant tissue xylem, sahi jawab hai option B, trichoid cell and tubular vessels, trichoid cells and tubular vessels। question number 24, which of the following is incorrect regarding the function of epithelial tissue, इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको पता करना है, वो है ऑप्शन डी,
करेक्ट है उसको पढ़ेंगे, इट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, करेक्ट है। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ये भी करेक्ट है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेशन लाइक टेस्ट नॉइज पेन इटीसी, ये भी करेक्ट है। जिसमें भी इनकरेक्ट होता है उस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा ज़्यादा समय लेता हूँ ताकि जो भी मैं पढ़ाऊँ, जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ वो करेक्टली डिस्कस करूँ बिना किसी गलती के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कनेक्टिव टिश्यू। और जो इस लेक्चर में मैं थोड़ा सा इंग्लिश को प्रेफर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा माध्यम इंग्लिश है, खासकर साइंस वाले सेक्शन में, तो इसलिए हिंदी मीडियम थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है। लेकिन जो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर हिस्ट्री की बात करूँ, पॉलिटी, वो सब सेक्शन में हिंदी में ही कवर करता हूँ, फुल टेस्ट वो भी मैं हिंदी में ही कवर करता हूँ। कोशिश होती है बाइलिंगुअल रहने की, लेकिन स्पेशली बायोलॉजी इसको मैं इंग्लिश में ही कवर कर पाता हूँ, तो इसके लिए मैं पहले से आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू जो नहीं है वो पूछा जा रहा है, नॉट। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, म्यूकस मसल्स टेंडन्स, ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। तो आखिर कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से हैं, ये है बोन, कार्टिलेज, फैट, ब्लड, लिम्फेटिक टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 26, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें पूछा जा रहा है कि इज आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है, ऑप्शन बी, ये दो और तीन, ये दोनों करेक्ट है। मैंगो, मेज एंड ग्रेप्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फ्रूट्स, सही है। एप्पल, पेयर, क्यूक्यूम्बर आर एग्जाम्पल्स ऑफ फॉल्स फ्रूट, ये भी करेक्ट है। और यहाँ पे हो जाएगा जो ट्रू फ्रूट्स हैं वो फर्टिलाइजेशन के थ्रू डेवलप होते हैं, और जो फॉल्स फ्रूट होते हैं वो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन वन है जो ये रहा, ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, नॉट करेक्टली मैच्ड, सही जवाब है ऑप्शन सी, तो करेक्टली है उसको पढ़ लेते हैं, बैरोफाइटा एम्फीवियन ऑफ प्लांट किंगडम, सही है। टेरिडोफाइटा क्रिप्टोगेम्स और थैलोफाइटा नो वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी, ये भी करेक्ट है, सी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट ड्वार्विनिज्म, सही जवाब है ऑप्शन सी, मतलब जो इन यहाँ पे नॉट करेक्ट बोल रहा है, तो जो करेक्ट है वो पढ़ लेते हैं, माइनर वेरिएशन कॉजेज इवोल्यूशन, वेरिएशन आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल, करेक्ट। डार्विनिज्म स्टेट्स दैट देयर इज ए ग्रेजुअल इवोल्यूशन, ये भी करेक्ट है। और जो स्पॉन्टेनियस इवोल्यूशन होता है वो होता है म्यूटेशन वाले केस में, म्यूटेशन। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो ये सही जवाब है सी, माइटोसिस रिजल्ट्स इन टू डाइप्लॉयड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल ग्रुप्स हैव अ फोर चैम्बर्ड हार्ट, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है एब्स में, टू चैम्बर्ड हार्ट होता है इसमें, फोर चैम्बर्स, टू चैम्बर्स होता है पीसेज में यानी कि मछलियाँ वो सब में, और एम्फीबियंस में होता है थ्री चैम्बर्ड हार्ट, और रेप्टाइल्स मोस्टली सारे रेप्टाइल्स में, ऑलमोस्ट सारे रेप्टाइल्स में थ्री चैम्बर्ड हार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्ड द बुक सिस्टम नेचर, सिस्टम नेचर लिखने वाले हैं, सही जवाब है डी, कार्लोस लिनियस। 32, द न्यूक्लियोइड एंड क्रोमेटीन, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट है, न्यूक्लियोइड एंड क्रोमेटीन करेक्टली रिप्रेजेंट द जीनेटिक मटेरियल इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स रिस्पेक्टिवली, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड और यूकैरियोट्स में क्रोमेटीन। 33, लाइसोसोम आर सेल ऑर्गेनेल्स विच कंटेन्स डाइजेस्टिव एंजाइम, दीज एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय, लाइसोसोम में डाइजेस्टिव पाचक एंजाइम होते हैं, और यह
यह पाचक एंजाइम है वो सिंथेसाइज होते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के थ्रू, और जो उसको लाइसोसोम में ट्रांसपोर्ट किया जाता है वह ट्रांसपोर्ट किया जाता है गोल्गी एपरेटस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 34, विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में कौन सा ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल। प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल, ये तीन चीज़ें एब्सेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 35, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज डज नॉट ट्रांसमिट थ्रू फाइन ड्रॉपलेट्स कमिंग आउट फ्रॉम द माउथ नोज एंड इन्फेक्टेड पर्सन। सही जवाब है ऑप्शन सी, मलेरिया। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अल्टरनेटिव टू शुगर बाई डायबिटिक पेशेंट। सही जवाब है ऑप्शन बी, स्टीविया। क्वेश्चन नंबर 37, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट्स एंड द फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर देयर सर्वाइवल। सही जवाब है इसका, इसमें पूछा जा रहा है कि इनकरेक्ट पेयर्स कौन कौन से हैं, तो जो इनकरेक्ट पेयर्स हैं वो रहा ऑप्शन ए, करेक्ट है उसको पढ़ लेता हूँ, सेप्रोफाइट्स बोथ वाटर एंड ड्राई कंडीशन, सही है, और हेलोफाइट्स सलाइन कंडीशन में, ये भी करेक्ट है। हाइड्रोफाइट्स होता है एक्सेसिव वाटर कंडीशन में, और जीरोफाइट होता है ये होता है ड्राई कंडीशन में, तो ऑप्शन वन एंड फोर इनकरेक्ट है, टू एंड थ्री करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38, द ब्रीदिंग रेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इज फास्टर इन कंपैरिजन ऑफ द टेरेस्ट्रियल एनिमल। स्थलीय जंतुओं की तुलना में जलीय जंतुओं की श्वसन दर तेज होती है। सही कारण है द वाटर हैज लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देन एयर, तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए जो श्वसन दर है उसको तेज होना पड़ता है। पानी में हवा की तुलना में कम ऑक्सीजन सांद्रता होती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू एक्सपोजर टू कॉटन डस्ट। एक्सपोजर टू कॉटन डस्ट ड्यूरिंग द स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सही जवाब है बाइसनोसिस, कॉटन डस्ट बाइसनोसिस। मिनीमाटा होता है, मर्क्यूरी से रिलेटेड है, इटाइटाई है ये है कैडमियम से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 40, मैच लिस्ट वन लिस्ट टू मैच द फॉलोइंग है क्वेश्चन नंबर 40, इसका आंसर है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी है आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, प्लेटलेट्स हेल्प्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, डब्ल्यूबीसी है प्रोवाइड इम्यूनिटी, प्लाज्मा है कैरीज डिजोल्व सब्सटेंसेस। क्वेश्चन नंबर 41, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच में ऑप्शन डी सारा का सारा करेक्टली मैच है, मेलाटोनिन कंट्रोल्स सर्किडियन रिदम करेक्ट है, स्लीप से रिलेटेड है ये, स्लीप साइकिल से। प्रोगेस्टेरोन सस्टेन प्रेगनेंसी, अगेन ये भी करेक्ट है। ऑक्सीटोसिन एड्स इन लैक्टेशन आफ्टर बर्थ ऑफ चाइल्ड, ऑक्सीटोसिन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 42, डीएनए इज मेड अप ऑफ फोर केमिकल बेसेस एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स आर कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स। जो फोर केमिकल बेसेस हैं उनका नाम है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, और वहीं आरएनए के केस में थाइमिन की जगह यूरेसिल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सही जवाब है ऑप्शन बी, सबसे नीचे स्पीसीज, जीन्स, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। 44, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स। सही जवाब है ऑप्शन सी, पिचर प्लांट्स, संड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप। जो हेटरोट्रॉपिक प्लांट हैं उसको बोलते हैं जो अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं, अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, उसे हेटरोट्रॉपिक प्लांट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द इंजेशन ऑफ मर्क्यूरी एंड नाइट्रेट रिस्पेक्टिवली? मर्क्यूरी मिनीमाटा और नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्रोटीन्स, करेक्टली मैच्ड कौन है पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए 1, 2 and 4, ये तीनों करेक्ट है। केराटीन नेल्स, कोलाजिन बोन्स, केसिन ये हो जाएगा मिल्क। और एल्ब्यूमिन है वो ब्लड में मिलता है और किडनी के द्वारा बनाया जाता है, तो इसको किडनी से, ये एल्ब्यूमिन को ब्लड या फिर किडनी रहता तो वो करेक्ट हो जाता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, जो करेक्ट है वो पूछा जा रहा है। 47 इसका आंसर है सी, फैट ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय लाइपेज, और जो लाइपेज है वो पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है, पैनक्रियाज से निकलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, 48 सही जवाब है ऑप्शन सी, द RBCs आर प्रेजेंट इन द हाइएस्ट नंबर, ये सही है। विच सेकेंड नंबर पे आता है प्लेटलेट्स और थर्ड नंबर पे WBC। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल इन ह्यूमन बॉडी, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इट इन्वॉल्व्स कैल्शियम आयंस ऑफ ब्लड, ब्लड में कैल्शियम आयन है उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इन मैमल्स, सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड एज राइबोसोम इन इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ इंक्रीज इन विड्थ ऑफ स्टेम एंड रूट्स इन प्लांट, यहाँ पे हो रहा है कॉज पूछ रहा है इंक्रीज विड्थ ऑफ स्टेम एंड रूट्स इन प्लांट्स, सही जवाब है 51 का आंसर डी, लैटरल मेरिस्टेम्स, लैटरल मेरिस्टेम्स विड्थ में और जो लेंथ आता है उसमें एपिकल मेरिस्टेम्स, सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑप्शन ए हो जाएगा अगर यहीं पर रहता लेंथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स और विड्थ में लैटरल मेरिस्टेम। क्वेश्चन नंबर 52, राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन प्लांट विच इज अटैच्ड टू द इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ऑफ द सेल। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज लोअर कंसेंट्रेशन देन द सेल, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेल विल लूज वाटर। क्वेश्चन नंबर 54, करेक्ट रिगार्डिंग वायरस, वायरस से रिलेटेड जो करेक्ट है वो पूछा जा रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट है, पैरासिटिक ओनली नीड होस्ट फॉर रिप्रोडक्शन, और जो वायरस है ना ही ये लिविंग है ना ही ये डेड है, ना ही लिविंग है ना ही डेड है। क्वेश्चन नंबर 55, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल देर इज ए लिंकेज गैप नोन एज सिनेप्सेस, सिनेप्स के रूप में कहाँ पे लिंकेज गैप होता है, सही जवाब है ऑप्शन बी नर्व सेल्स। क्वेश्चन नंबर 56, विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स डज नॉट पोजेस इट्स ओन जीनेटिक मटेरियल, सही जवाब है ऑप्शन सी, राइबोसोम में अपना जीनेटिक मटेरियल नहीं होता है, वैक्यूल्स में अपना जीनेटिक मटेरियल नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अपना जीनेटिक मटेरियल होता है, पूछा क्या जा रहा है डज नॉट पोजेस, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राइबोसोम एंड वैक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स हैज हैव ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सही जवाब है ए मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, मोनेरा और प्रोटिस्टा में हैव ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशीय जीव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट अमंग द फॉलोइंग विल बी अफेक्टेड व्हेन एपिकल मेरिस्टेम ऑफ ए यंग प्लांट डैमेज, तो इसमें क्या क्या इफेक्ट करेगा, लेंथ को, एपिकल वाले में लेंथ और लैटरल वाले में विड्थ चौड़ाई।
क्वेश्चन नंबर 59, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम एड्स इज कॉज्ड बाय अ वायरस हैविंग सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ऑप्शन डी फ्यूनेरिया एंड मर्केंटिया आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम्स, करेक्ट पूछा जा रहा है फ्यूनेरिया एंड मर्केंटिया आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्वेश्चन नंबर 61, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं पूछा जा रहा है, ऑप्शन सी 1 और 3, कॉपिंग ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, डीएनए से आरएनए इसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, सही है। और ऑप्शन 3, ए प्लाज्मिड इज अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल फाउंड बैक्टीरिया एंड सम अदर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ये भी करेक्ट है। आरएनए में थायमिन नहीं होता, आरएनए में यूरेसिल होता है। थायमिन किस में होता है, थायमिन होता है डीएनए में, और यूरेसिल होता है आरएनए में। क्वेश्चन नंबर 62, सही जवाब है इसका ए, कौन कौन सा करेक्टली मैच नहीं है वो पूछा जा रहा है 1 और 2। तो जो करेक्टली मैच है वो है एनोफिल्स, मलेरिया, एडीज एजिप्टी, चिकनगुनिया और सीसी फ्लाई है। इसका मैं बता देता हूँ, सीसी फ्लाई है, ये स्लीपिंग सिकनेस से रिलेटेड है, और क्यूलेक्स है वो फाइलेरियासिस से इससे रिलेटेड है। तो ऑप्शन 1 और 2, क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू, करेक्ट पूछ रहा है, सही जवाब है ऑप्शन सी, इट इन्वॉल्व्स मियोटोसिस ओनली, अर्धसूत्री विभाजन। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड व्हेन एडल्टर्ड कॉज ए डिजीज कॉल्ड ड्रॉपसी, सही जवाब है ऑप्शन बी मस्टर्ड ऑयल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ लीवर, तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट वो रहा सी, करेक्ट है उसको पढ़ते हैं, इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, करेक्ट, यूरिया प्रोडक्शन लीवर का काम, ये भी सही, ग्रेव ऑफ आरबीसी यूरिया, ये भी सही है। स्वेट सिक्रीशन बाय ह्यूमन बॉडी प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट पसीने के कारण आता है, इसका रीजन है क्वेश्चन नंबर 66, इसका रीजन है ऑप्शन बी इवेपोरेशन एब्जॉर्ब्स लेटेंट हीट ऑफ द बॉडी, वाष्पीकरण शरीर की गुप्त गर्मी को अवशोषित करता है। 67, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ह्यूमंस आर ऑटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटरोट्रॉपिक एनिमल्स, ये इनकरेक्ट है। द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमंस इज कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या है, ये भी इनकरेक्ट है। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड मिनिमम एनर्जी ऑन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यहाँ पे फूड होगा, ये भी ये करेक्ट है। द मैक्सिमम एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाई फैट्स, ये भी करेक्ट है। तो पूछा जा रहा था कि कौन कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2, जो एनर्जी एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरीज और प्रोटीन से भी 4 और फैट से 9, तो मैक्सिमम एनर्जी फैट से। विच अमंग द फॉलोइंग एंजाइम ब्रेक्स डाउन कार्बोहाइड्रेट इनटू माल्टोज, कार्बोहाइड्रेट से माल्टोज में पिटलीन या फिर टाइलीन इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, विच अमंग द फॉलोइंग आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, सही जवाब है ऑप्शन बी एंथर स्टिग्मा एंड फिलामेंट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कौन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी यानी कि सिर्फ 2 करेक्ट है। मोस्ट ऑफ द विटामिन्स, ऐसे विटामिन्स जो कि
ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं उसे हम लोग इसेंशियल फूड फैक्टर बोलते हैं, जो सिंथेसाइज नहीं होते हैं। सिंथेसाइज नहीं होने के कारण उसे हमें फूड से अंदर लेना पड़ता है, फूड के थ्रू उस विटामिन्स को हमको इंजेस्ट करना पड़ता है, तो इसलिए उसे इसेंशियल फूड फैक्टर बोलते हैं। और जो ऑप्शन टू है ये करेक्ट है, विटामिन B12 एंड विटामिन K बोथ आर सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन ह्यूमन इंटेस्टाइन, ये करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉलिनेशन एंड देयर एजेंट्स इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन कौन से करेक्टली मैच्ड नहीं है। ऑप्शन सी एंटोमोफिली, ये हो जाएगा इंसेक्ट, मेलमाकोफिली ये हो जाएगा स्नेल्स, और नीथोफिली ये हो जाएगा बर्ड्स। विच अमंग द फॉलोइंग कम्बिनेशन आर ट्रू फ्रूट्स, सही जवाब है ऑप्शन सी बनाना मैंगो टोमेटो आर ट्रू फ्रूट्स। कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ एंजाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जूस, जो नहीं प्रेजेंट है वो है 1 and 3, ये टाइलिन ये प्रेजेंट नहीं है, रेनिन नहीं है, तो क्या क्या है, एमाइलेज लाइपेज एंड ट्रिप्सिन, ऐसे याद रख सकते हैं ALT, एमाइलेज लाइपेज एंड ट्रिप्सिन ALT। क्वेश्चन नंबर 74, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड इन वेरियस वेज, विच ऑफ दीज कैन बी यूज एज पैरामीटर टू मेजर ग्रोथ, ऑल ऑफ द एबव, इंक्रीज इन सेल नंबर ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, इंक्रीज इन सेल साइज ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, इंक्रीज इन लेंथ एंड वेट ये भी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ डिजीज एसोसिएटेड विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम, नॉट यहाँ पे नॉट अ डिजीज एसोसिएटेड विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम, सही जवाब है ऑप्शन बी फाइलेरियासिस फाइलेरिया, इसका सही जवाब हो जाएगा फाइलेरिया ऑप्शन बी। साइड्रोसिस आयरन से रिलेटेड है, ये है बिसिनोसिस, ये है कॉटन से रिलेटेड, ऑलरेडी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जा चुका है, और एबेस्टोसिस है ये है एब्स्टस से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड, क्वेश्चन नंबर 76, सही जवाब है ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया ATP करेक्ट है, लंग्स एल्वियोली ये भी करेक्ट है, कुपिका बोलते हैं, किडनी निफ्रॉन ये भी करेक्ट है, राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, पूछा जा रहा है नॉट करेक्टली में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द एरोबिक रेस्पिरेशन, सही जवाब है ऑप्शन बी इट प्रोड्यूसेज मोर एनर्जी देन एनरोबिक रेस्पिरेशन, यह अवायवीय श्वसन की तुलना में अधिक ऊर्जा पैदा करता है, अवायवीय मतलब एब्सेंस ऑफ एयर। क्वेश्चन नंबर 78, विच अमंग द फॉलोइंग आर जिम्नोस्पर्म्स, सही जवाब है इसका 78 ऑप्शन सी 1, 2 and 4, सागो डेट को खजूर बोलते हैं एंड स्प्रूस। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक केमिकल कॉज्ड जॉन्डिस बाय डिपॉजिटिंग इन द टिश्यू, निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला रसायन उत्तकों में टिश्यू में जमा होकर पीलिया का कारण बनता है, सही जवाब है ऑप्शन बी बिलीरुबिन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन, नॉट करेक्ट में आ जाता है ऑप्शन डी, सही है सिर्फ उसी को पढ़ते हैं, HCl ब्रेक डाउन फूड एंड किल बैक्टीरिया, HCl भोजन को तोड़ता है और बैक्टीरिया को मारता है, बाइल जूस इमल्सिफाइज फैट, पित्त रस वसा का पाइसीकरण करता है, एसिडिक मीडियम एड्स इन प्रोटीन ब्रेकडाउन बाय एक्टिवेटिंग एंजाइम पेप्सिन, अम्लीय माध्यम एंजाइम पेप्सिन को सक्रिय करके प्रोटीन के टूटने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 81, इन प्लांट वाटर इज एब्जॉर्ब बाय ज़ाइलम,
वाटर इज एब्जॉर्ब बाय सॉरी वाटर इज एब्जॉर्ब बाय रूट्स विच गेट्स ट्रांसपोर्टेड अप टू द लीव्स थ्रू जाइलम, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग फोटोसिंथेसिस, सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड इन फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी, 1 ग्लूकोज अणु के निर्माण में 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 83, द टर्म सिनर्जिस्टिक एक्शन ऑफ हार्मोन, सिनर्जिस्टिक एक्शन ऑफ हार्मोन्स रेफर्स टू when two hormones act together and contribute to the same function, जब दो हार्मोन एक साथ कार्य करते हैं और एक ही कार्य में योगदान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, consider the following pairs of vitamins and its function, ऑप्शन सी जो करेक्ट पेयर है, ओनली 3 पेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर करेक्टली मैच, 3 पेयर इसमें करेक्ट हैं, जो करेक्ट है उसको पढ़ लेते हैं, विटामिन ए हेल्प्स इन विजन, सही है, विटामिन ई एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब करना, विटामिन ई टोकोफेरॉल फर्टिलिटी से भी रिलेटेड है, विटामिन बी वन कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म से रिलेटेड है, विटामिन सी इसका सेल को प्रोटेक्ट करता है और उसे हेल्दी रखता है, और एक हेल्दी स्किन ब्लड वेसल बोन्स एंड कार्टिलेज उसको हेल्दी रखने में विटामिन सी मदद करता है। तो यहाँ पे ए सही है, बी वन सही है, टू सही है, थ्री सही है, फोर गलत है, WBC से विटामिन सी का लेना देना नहीं है। तो 3 पेयर करेक्ट है, 1 पेयर इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85, कंसीडर द फॉलोइंग विटामिन एंड डिफिशियंसी डिजीजेज, सही जवाब है 85 का, इसमें से 1, 2, and 4 करेक्टली मैच्ड, विटामिन डी ऑस्टियोमलेशिया सही है ये, विटामिन के नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड सही है ये, विटामिन B12 अनीमिया ये भी सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ विटामिन्स आर फैट सोलूबल, ऐसे विटामिन जो कि फैट में सोलूबल हैं वो हैं DEAK या फिर KEDA कीड़ा कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए फैट सोलूबल हैं, बचा क्या B and C, विटामिन B and C ये है वाटर सोलूबल, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 86 का आंसर सी हो जाएगा, टोकोफेरॉल विटामिन ई हो गया, कैल्सीफेरॉल ये विटामिन डी हो गया, रेटिनॉल विटामिन ए, टोकोफेरॉल कैल्सीफेरॉल एंड रेटिनॉल आर फैट सोलूबल विटामिन्स। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग नाइट्रोजन साइकिल, जो करेक्ट है वो पूछा जा रहा है, सही जवाब है ऑप्शन सी, द लार्जेस्ट रिजर्वायर ऑफ नाइट्रोजन इज फाउंड इन द एटमोसफेयर मोस्टली एज नाइट्रोजन गैस, ये सही है, यहाँ पे सेडिमेंट्री साइकिल दे रखा है, इस साइकिल में सेडिमेंट्री साइकिल्स में इंक्लूड होता है फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, आयरन साइकिल एंड कैल्शियम साइकिल, फिर एक और साइकिल होता है गैसियस साइकिल, उसमें इंक्लूड होता है नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल एंड वाटर साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, आयरन साइकिल एंड कैल्शियम साइकिल, और इसका जो फॉस्फोरस साइकिल है वो स्लोएस्ट बायो जियो केमिकल मैं लिख देता हूँ, बायो जियो केमिकल साइकिल है, कौन सा, फॉस्फोरस साइकिल। क्वेश्चन नंबर 88, विच अमंग द फॉलोइंग आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, द प्लांट क्लोजेज इट्स स्टोमाटा व्हेन इट डज नॉट रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट,
सही जवाब है ऑप्शन 90 का डी। हर्बीवोर्स हैव लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन, जो शाकाहारी हैं उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज़्यादा लंबी होती है, यह स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन। सही जवाब है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन इज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमंस। क्वेश्चन नंबर 92, ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस एंड एंगजाइटी, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ड्रग्स टू दिस पर्सन। ऑप्शन ए न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स नोन एज ट्रैंक्विलाइजर्स आर यूज टू ट्रीट स्ट्रेस एंड एंगजाइटी। ट्रैंक्विलाइजर के रूप में जानी जाने वाले न्यूरोलॉजिकल रूप से सक्रिय दवा एक्टिव ड्रग्स तनाव और चिंता का इलाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, लिम्फ कैरीज का सही जवाब है ऑप्शन डी। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट, यहाँ पे डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टिन एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड। ऑप्शन डी, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एंड इट्स फंक्शन इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड, जो करेक्टली मैच नहीं है वो पूछा जा रहा है। सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन इन लैक्टेटिंग वुमेन करेक्ट, कैल्सिटोनिन रेगुलेट्स कैल्शियम आयन करेक्ट, मेलाटोनिन प्रमोट स्लीप करेक्ट, और जो ग्लूकाजोन है वो ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है ना कि डिक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 95, मैच एंड चूज द करेक्ट कोड। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन, एड्रेलिन इमरजेंसी हार्मोन, ऑक्सीटोसिन प्लेजर हार्मोन, डोपामिन लव हार्मोन। 96, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग हार्मोन्स। सही इसका जो है नॉट करेक्ट डी, जो सही है उसको पढ़ते हैं। इंसुलिन इज पेप्टाइड ड्रिवन डिराइव्ड हार्मोन, इंसुलिन एक पेप्टाइड डिराइव्ड हार्मोन है। थायरोक्सिन इज ए अमीनो डिराइव्ड हार्मोन, कॉर्टिसोल इज ए लिपिड डिराइव्ड हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 97, मेलाटोनिन इज प्रोड्यूस्ड बाय पीनियल ग्लैंड एंड प्राइमरली कंट्रोल्स द स्लीप साइकिल, पीनियल ग्लैंड एंड स्लीप साइकिल। क्वेश्चन नंबर 98, विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्स हार्मोन इन वुमेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूबर्टी प्रेगनेंसी एंड रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रोगेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन्स एंड देयर सिक्रेटिंग ग्लैंड इज करेक्टली मैच्ड। सही जवाब है ऑप्शन ए ग्लूकाजोन, सॉरी इसका सही जवाब है इसका ऑप्शन ए ग्लूकाजोन पैनक्रियाज। क्वेश्चन नंबर 100, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द एबव पेयर ऑफ पार्ट ऑफ ब्रेन एंड इट्स फंक्शन इज आर करेक्टली मैच्ड, कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। सही जवाब है 3 पेयर्स, कौन कौन से जो इसमें सही है वो है 1, 2 एंड 3, सेरेब्रम मेमोरी रिटेंशन, थैलमस कॉन्शियसनेस एंड अलर्टनेस और हाइपोथैलमस टेम्परेचर रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड, जो करेक्टली मैच्ड नहीं है वो रहा ऑप्शन डी 2 एंड 3, जो करेक्टली मैच्ड है उसको देख लेते हैं। स्टमक का काम है ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोटीन, सही है माउथ ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विली से रिलेटेड,
ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। क्वेश्चन नंबर 103, सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट इन टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब्स वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन अनएब्जॉर्ब फूड से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। क्वेश्चन नंबर 104, इसका ऑप्शन बी सही है। ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज ब्रेक्स इंटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल पाइरुवेट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। क्वेश्चन नंबर 105, कंसीडर द फॉलोइंग स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सही जवाब है ऑप्शन सी, ओनली वन। सही जवाब है कोनिडिया पेनिनसुलम। क्वेश्चन नंबर 106, विच अमंग द फॉलोइंग हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सही जवाब है ऑप्शन ए, कॉकरोच, स्नेल्स एंड अर्थवॉर्म। कॉकरोच, स्नेल, अर्थवॉर्म, लीच, स्टारफिश, टेपवॉर्म, ये सब का बोथ फीमेल एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। एक बार फिर से बताता हूँ, अर्थवॉर्म, कॉकरोच, स्नेल्स, लीच, स्टारफिश, टेपवॉर्म। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। इसमें पूछा जा रहा है कि नॉट करेक्टली मैच, तो ऑप्शन बी करेक्टली मैच नहीं है, जो करेक्ट है उसको पढ़ लेते हैं। ऑटोगेमी पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग द सेम फ्लावर, सेम ही फ्लावर में पॉलिनेशन होता है, ये सही है। और जियोटोनोगेमी, इसमें होता है पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। जियोटोनोगेमी पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 108, प्लास्टिसिटी इन प्लांट ग्रोथ मीन्स दैट प्लांट ग्रोथ इज डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंट। प्लास्टिसिटी इन प्लांट ग्रोथ का मीनिंग है कि पौधों की वृद्धि पर्यावरण पर निर्भर करती है। 109, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट जीनेटिक डिसऑर्डर। सही जवाब है पर्टूसिस, यह जीनेटिक डिसऑर्डर नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया और डाउन सिंड्रोम जीनेटिक डिसऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 110, कंसीडर द फॉलोइंग जीनेटिक डिसऑर्डर लिस्ट। इसमें से कॉज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल क्रोमोजोम। सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 and 2, जो डाउन सिंड्रोम है और किनफेल्टर सिंड्रोम है, ये दोनों एडिशनल क्रोमोजोम के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ प्राइमरी प्रोड्यूसर। ऑप्शन बी, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं है, ये है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम टू डिग्रेड डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ऑप्शन सी, कैटाबोलिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स टू डिग्रेड डेट्रिटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, कैटाबोलिज्म। कंसीडर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ प्लाज्मा। अरेंज द अबव इन असेंडिंग ऑर्डर एज पर दियर वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज। सही जवाब है ऑप्शन सी, प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा वाटर 90%, फिर प्रोटीन 7%, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 90%, प्रोटीन 7%, सॉल्ट होता है 0.9% एंड ग्लूकोज 0.1%। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस ऑफ द ब्लड ग्रुप। ऑप्शन ए, देर इज 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ऑप्शन ए करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग साइंटिस्ट एंड देयर थियोरीज। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, ओनली वन।
चार्ल्स डार्विन नेचुरल सिलेक्शन, इसका जो है ह्यूगो डी ब्रिस, ये हो जाएगा इनका थ्योरी ऑफ म्यूटेशन, और लेमार्क का है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स, तो ऑप्शन ओनली वन ये वाला करेक्ट है ए। क्वेश्चन नंबर 116, इन द इवोल्यूशन लेटिमेरिया फिश इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड टेट्रापोड्स, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फिश एंड टेट्रापोड्स। क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑर्गेनिज्म इज आर ट्रू फिश, सही जवाब है ऑप्शन सी कैटफिश, स्टारफिश, सी हॉर्स, कैटफिश, स्टारफिश एंड सी हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 118, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेम, ओनियन, पोटैटो एंड जिंजर, ओनियन, पोटैटो एंड जिंजर आर स्टेम्स। क्वेश्चन नंबर 119, मैच द फॉलोइंग है, सही जवाब है इसका डी, टर्मरिक हो जाएगा करक्यूमिन, रेड चिली हो जाएगा कैप्सियासिन, टोमेटो हो जाएगा लाइकोपिन एंड एप्पल हो जाएगा एंथ्रोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 120, विच अमंग द फॉलोइंग आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द फूड चेन ऑफ ओशंस, ओशन में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं, सही जवाब है ऑप्शन डी चारों, साइनोबैक्टीरिया, यस डायटम्स, यस फर्न्स एंड मॉस, चारों। क्वेश्चन नंबर 121, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कॉल्ड माइकोरिजा, सही जवाब है इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फंगी एंड प्लांट। ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए टू आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ डीएनए टू आरएनए, ऑप्शन बी। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, इसका है सही जवाब ऑप्शन सी ब्लू ग्रीन एलगी एंड एजोला। और एजोबैक्टर है, एजोटोबैक्टर, वो भी बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है, तो जो इसका ऑप्शन का अरेंजमेंट है वो सही नहीं है, तो इसको मैं मार्क करके रखता हूँ, मैं कमेंट सेक्शन में बाद में इसका प्रॉपर डिटेलिंग में ऐड कर दूँगा क्या सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है ये भी करेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 124, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल्स, सही जवाब है ऑप्शन सी 1 and 4, सेल विथ मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियाई इज कॉल्ड यूकैरियोटिक, सही है, देर इज नो न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोट्स, ये भी सही है। 125, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर नॉट फंक्शन ऑफ स्प्लीन, नॉट पूछ रहा है, सही जवाब है ऑप्शन डी, तो स्प्लीन का फंक्शन क्या है, हेल्प्स फाइटिंग इन्फेक्शन, करेक्ट है, नोन एज ब्लड फिल्टर, ये भी करेक्ट है, रेगुलेट आरबीसी, ये भी करेक्ट है। 126, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गन स्टोर्स द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इन बॉडी एज ग्लाइकोजन, सही जवाब है ऑप्शन सी गॉल ब्लैडर, इसका सही जवाब होगा एक्चुअली लीवर होगा, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है, आंसर में थोड़ा सा गलत दे रखा है, लीवर हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर आपको और भी कहीं ऐसा गलत दिखा हो, आप अगर आपको कहीं गलत दिखा हो तो कमेंट सेक्शन में आप ऐड कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देके करेक्ट कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 127, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सही जवाब है ऑप्शन सी 1 and 3, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, सही है, एंड डाइजेशन ऑफ फैट, सही है, स्टोरेज ऑफ HCl, ये स्टमक का काम होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है, सिंथेसिस ऑफ यूरिया, ये लीवर का काम है। क्वेश्चन नंबर 128, ए ड्रंक मैन एक्सपीरियंसेस प्रॉब्लम विथ बैलेंसिंग एंड वॉकिंग, पियांक आदमी
बैलेंसिंग एंड वॉकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है आफ्टर इंटेक ऑफ एक्सेस अल्कोहल। विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एबव कंडीशन? सही जवाब है सेरेब्रम। सेरेब्रम क्या कंट्रोल करता है? कंट्रोल करता है पोस्चर को एंड वॉक इन ह्यूमन। पोस्चर एंड वॉक को कंट्रोल करता है सेरेब्रम। 129. What will happen if there is decrease in concentration of oxygen in the blood? सही जवाब है द ब्रीदिंग रेट विल इंक्रीज, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को इनहेल किया जा सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम? स्टेम का प्राइमरी फंक्शन फोटोसिंथेसिस नहीं है, नॉट पूछ रहा ना, तो स्टेम का क्या काम है? बियर्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, कंडक्शन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं है। 131. ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स प्लास्टिड्स डिफर फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया? सही जवाब है प्रेजेंस ऑफ थाइलाकॉइड्स। 132. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग एंटीजेंस? सही जवाब है इट स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। करेक्ट पूछ रहा है, एंटीजेन स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। 133. बैक्टीरिया आर नॉट कंसीडर्ड एज प्लांट्स बिकॉज दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट रिलेटेड टू द सुटेबिलिटी ऑफ रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर? सही जवाब है डी, ग्रो डाउन इनटू द सॉइल। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट रिलेटेड टू द सुटेबिलिटी ऑफ रूट्स टू एब्जॉर्ब वाटर? ग्रो डाउन इनटू द सॉइल। 135. विच अमंग द फॉलोइंग आर माइक्रो एलिमेंट इसेंशियल फॉर प्लांट्स? सही जवाब है ऑप्शन ए, जिंक, बोरोन एंड आयरन। तो जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो हैं बोरोन, जिंक, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, सल्फर एंड मैग्नीशियम। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136. विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एबनॉर्मली थिन एंड टॉल प्लांट ग्रोथ? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन असामान्य रूप से पतले और लंबे पौधे के विकास के लिए जिम्मेदार है? सही जवाब है ऑप्शन बी, जिब्रेलिन। क्वेश्चन नंबर 137. विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रोल्स द ट्रॉपिक मूवमेंट सच एज प्रोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म इन प्लांट? कौन सा कंट्रोल करता है? जिब्रेलिन अगेन। क्वेश्चन नंबर 138. इफ द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देन द प्लांट क्या होगा? विल कंटिन्यू टू लिव बट विल नॉट बी एबल टू स्टोर फूड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड यूजिंग स्कोविल स्केल? स्कोविल स्केल का उपयोग करके मापा जाता है हॉटनेस ऑफ पेपर। 139 का आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइंट इज फिक्स्ड? कौन सा ज्वाइंट फिक्स्ड होता है? सही जवाब है अपर जॉ एंड स्कल, ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी। क्वेश्चन नंबर 141. द बायो एक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन इज यूज्ड एज? साइक्लोस्पोरिन ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट होगा। साइक्लोस्पोरिन इज यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटिंग पेशेंट, इज प्रोड्यूस्ड बाय फंगस ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। क्वेश्चन नंबर 142. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन? सही जवाब है ऑप्शन ए, एजोबैक्टर, नोस्टोक, एनाबिना। अनाबिना, नोस्टोक, एजोबैक्टर कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 143. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग यूरिथर्मल ऑर्गेनिज्म? सही जवाब है
ऑप्शन बी दे कैन टॉलरेट ए वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिड्यूसिंग ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन ऑर्गेनिज्म। ये इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मेनोपॉज। क्वेश्चन नंबर 145, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिस्पॉन्स टू ए स्टेमलेस। नॉट एन एग्जाम्पल सही जवाब है ऑप्शन डी हैचिंग ऑफ चिक। क्वेश्चन नंबर 146, हैचिंग ऑफ चिक का मतलब होता है अंडे से चूजे का निकलना। 146, द निकोटीन इन टोबैको स्टिमुलेट्स एड्रेनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रेनलिन हार्मोन। 147, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल व्हेन रिलीज कॉज स्किन एलर्जी सच एज इचिंग हिस्टामिन। स्किन एलर्जी इचिंग हिस्टामिन। कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिजीज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाई प्रोटोजोआ। सही जवाब है ऑप्शन ए ओनली टू। इसका आंसर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसका सही जवाब है एक्चुअली ऑप्शन ये रहा मलेरिया एस्कारियासिस और एमीबायसिस एंड एस्कारियासिस। क्वेश्चन नंबर 149, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर नॉट करेक्टली मैच्ड। सही जवाब है ऑप्शन डी, ये करेक्टली मैच नहीं है, बाकी सब का सब करेक्टली मैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 150 लास्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग एसिड प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा एस्परगिलस, इसका सही जवाब है एस्परगिलस साइट्रिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियम ये हो जाएगा ब्यूट्रिक एसिड, और लैक्टोबैसिलस ये है लैक्टिक एसिड, एंड एसिटोबैक्टर ये हो जाएगा एसिटिक एसिड। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, आज इवनिंग में एडुटेरिया का भी टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 1 अपलोड किया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में ऐड करिए कि क्या कहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम है, और ताकि मैं उसको सही कर सकूँ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।